शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिषपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, पीएनबी वाली गली रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरोखा गांव में। और यहाँ बरोखा गांव में मैं आपको बता दूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा परिवर्तन यात्रा जो है वो आज बरोखा गांव में पहुँच चुकी है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो अपने पसंदीदा नेता अभय सिंह चौटाला का स्वागत करने के लिए जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सुनैना चौटाला और करण चौटाला जो है वो अभी फिलहाल इस यात्रा की अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें देखिएगा, लगातार जो है वो काफ़ी जोश, जुनून, जज्बा और उत्साह के साथ लोग जो है वो बरोखा गांव के अंदर अभय सिंह चौटाला की इस परिवर्तन यात्रा को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए यहां पे पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में कि किस प्रकार से इस यात्रा का गांव में पहुंचने पे जो है वो भव्य स्वागत जो है वो लगातार यहां पे किया जा रहा है। देखिएगा कि अपने पसंदीदा नेताओं को किस प्रकार से सर आँखों पर बैठाने का काम जो है वो गाँव बरोखा के लोगों के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तिलक करके स्वागत अभिनंदन जो है वो यहाँ पे करण चौटाला और इस भव्य यात्रा का जो है वो हरियाणा परिवर्तन यात्रा का जो है वो स्वागत लगातार यहाँ पे किया जा रहा है। देखिएगा तस्वीरों में नन्ही बच्ची के द्वारा जो है वो तिलक लगा करके इस यात्रा को एक बहुत ही शुभ संकेत और शुभ संदेश जो है वो बरोखा गांव के लोगों के द्वारा जो है वो बरोखा गांव के अंदर आगमन पे जो है वो लगातार यहां पे किया जा रहा है। चलिए कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। और जो है वो सुनैना चौटाला और करण चौटाला जो है वो गाँव के लोगों से आशीर्वाद जो है वो लेते हुए, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे लगातार तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा थोड़ा आगे जो है वो एक बार आए और आगे से जो है वो लोगों को दिखाए कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो इस यात्रा का भव्य स्वागत जो है वो लगातार किया जा रहा है। चलिए लोगों का स्वागत करें, उससे पहले सुनैना चौटाला जो कि पहले दिन से ही इस यात्रा के अंदर कदम से कदम मिला करके चलती हुई दिखाई दे रही हैं और लगातार 55 विधानसभा क्षेत्रों से होती हुई सुनैना चौटाला यहां पे पहुंचे, तो इनसे बातचीत कर दें। सुनैना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत इस यात्रा का हमारे गाँव में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनैना जी, लगातार जो है वो पहले दिन से हम देखते आ रहे हैं कि आप पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है यात्रा को, कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर जो है वो लोगों में दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, परिवर्तन हो चुका है, मैं तो यही कहूँगी। जिस भी जगह से परिवर्तन यात्रा गई वहाँ लोगों ने परिवर्तन कर दिया और मोहर लगा दी कि 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट बनेगी। सुनैना जी, जहाँ भी आप जा रहे हैं, जिस भी जगह पे जा रहे हैं, लगातार लोग जो है शिकायतें कर रहे होंगे, किस तरह की समस्याएं लोगों को ज़्यादातर अब तक देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जो लोगों के बीच ना हो, खास करके पानी के लिए महिलाओं को मैं कहती हूँ टैंकर जो है मोल लेने पड़ते, सिर पे पानी लाना पड़ता आज भी, और महंगाई की एक बहुत बड़ी समस्या, बेरोजगारी उससे बड़ी समस्या, गांव की सड़कें नहीं हैं, कहीं विकास नाम की कोई एक ईंट नहीं लगाई हुई, और वहीं दूसरी बात जो लड़कियां हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं कि हम कॉलेज कैसे जाएं, कोई सुरक्षा के साधन नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं कराया, अस्पताल नहीं है, हैं तो डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, यानी कि समस्याओं का भंडार हमें देखने को। महिलाएं कहीं ना कहीं नशे को लेकर के भी काफी कुछ बयां कर रही होंगी, क्योंकि पीछे अभी अभय सिंह चौटाला ने भी जो है वो नशाखोरी पे लगातार विधानसभा पे मुद्दे उठाते रहे हैं, तो नशे को लेकर के महिलाएं किस तरह से चिंतित हैं? बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो ये कहती है कि दुष्यंत ने उनसे वादा किया था कई जगह कि गांव से ठेके बार कर देंगे, लेकिन आज भी गांव के हर नुक्कड़ पर ठेके खोल दिए, गांव के घर घर तक शराब आ गई, वहीं जो अपने इलाके में इधर
चिट्टे का एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे बहुत बच्चे आहत भी हो चुके हैं। माँ उन चीज़ को लेकर बहुत चिंतित है, चाहती है कि नशे से मुक्त हो पहले हरियाणा प्रदेश। कहीं ना कहीं नशे को लेकर के, नशे को बढ़ावा देने में आप जिम्मेदार जो है वो किसको मानते हैं, क्योंकि दो पार्टियों की सरकार गठबंधन में चल रही है, जजपा और भाजपा की, तो जिम्मेवारी किसकी ज्यादा आपको लगता है? ये तो जी ठगबंधन है और जिम्मेवार दोनों भी बराबर के हैं, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं चाहे वो कोई एक छोटा सा भी उनका मंत्री क्यों ना हो, चाहे उप मुख्यमंत्री है, तो वो सभी जिम्मेवार हैं इस चीज़ को लेकर। कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट चाहे तो रातों रात नशे को बंद किया जा सकता है। सुनैना जी, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आती है या भागीदार बनती है तो महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला हैं आप और महिलाओं को लगातार जागरूक भी कर रही हैं, तो महिलाओं के लिए किस तरह का खास कदम जो है वो उठाया जाएगा? देखिए, हर चीज़ में हर बात को एक दूसरा वर्ग जो है वो प्रभावित करता है। इंडियन नेशनल लोकदल ने बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपये करने की घोषणा की है, उसमें बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। वहीं नौजवान बच्चों को हर घर में रोजगार, एक रोजगार, और जब तक उसे नहीं मिलेगा 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता, ये भी एक महिला के लिए जरूरी है क्योंकि उसका बच्चा बेरोजगार है। वही जो खास महिलाओं गृहिणियों के लिए हर घर में एक सिलेंडर और 1100 रुपये उन्हें एक सहायता राशि दी जाए। सुनैना जी, अब अगर बात करें तो इतने दिन हो गए आपको पैदल चलते हुए, अभय चौटाला जी के पैरों के अंदर छाले हो गए थे, आपके पैर तो ठीक ठाक हैं? नहीं, वैसे मेरे पांव ठीक हैं बजरंगबली बाबा की कृपा से, एक नाखून उंगली का जरूर उतरा, वो थोड़ा बहुत तंग करके अब ठीक है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो तब तकलीफ कितनी होती होगी पैदल चलने में, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ऊपर से? देखिए, वो तकलीफ उस समय जब लोगों का हुजूम दिखता है तो वो तकलीफ छूमंतर हो जाती है। जब हम लोगों से सुनते हैं कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, ओम प्रकाश जी चौटाला ने जो संघर्ष किया, उस संघर्ष के आगे हमारा संघर्ष, हमें कम लगने लगता है और हम उस संघर्ष की प्रेरणा लेके और संघर्ष करने के लिए सक्षम है। लगता है अभी आगे आने वाले समय में जनता वाकई में परिवर्तन चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता परिवर्तन कर चुकी है, अपने दिमाग में, दिल में वो अपने ये सोच चुकी है कि हमें आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का आदर्श का हरियाणा चाहिए, और इसलिए वो परिवर्तन कर चुकी है। शुक्रिया बातचीत के लिए। सुनैना चौटाला जी से खास बातचीत हमारी हो रही थी, अभी इस यात्रा के कुछ और पहलुओं से आपको अवगत करवाते हैं।